31st डे कोलकाता का कोई प्लान नहीं है, बस राजधानी कैप्चर करनी है दोनों, इसलिए सुबह सुबह जा रहा हूँ मधुसूदनपुर पे एंड देन दिन भर फ्री रहूँगा। लास्ट दो दिन बचे हैं कोलकाता में और एक मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग फ्लाइट है। हेलो गाइस, वेलकम बैक मेरे 26वें व्लॉग में, कोलकाता सोजन के 26वें व्लॉग में। ये 26वां व्लॉग था 16 दिसंबर का, मेरा 31st डे इन कोलकाता। और मतलब ये दिन का जो मैं अगर जो एक्सप्लोर किया है मैंने सुबह से लेकर शाम तक, सुबह मैं घर से निकल गया और रात को पहुंचा एकदम ऑलमोस्ट 10 बजे, तो ये जो पार्ट बाय पार्ट एक्सप्लोर किया, अगर इसका ही पार्ट बनाऊं तो सात या आठ पार्ट बन जाएंगे। मतलब मैं अलग अलग वीडियो नहीं बनाने वाला, बट अगर डे को ही डिवाइड करूं तो 7 या 8 डिवीजन बन जाएंगे। अरे यार, मतलब वाओ, ये एक दिन मुझे बहुत याद रहेगा अच्छे से। सुबह तो मेरा पहले एक ही ये था कि अरे यार, कोलकाता आया हूँ और कोलकाता राजधानी अगर कैप्चर नहीं किए, वीडियोस नहीं लिए तो क्या फायदा, ना बराबर है ना। कोलकाता राजधानी मतलब हावड़ा राजधानी एज वेल एज सियालदा राजधानी, और ये दोनों राजधानी ऑलमोस्ट एक दूसरे के कुछ 10 या 15 मिनट के गैप पे ही आते हैं, कोलकाता में एंटर करते हैं। तो डिसाइड किया कि कॉर्ड लाइन का कोई तो स्टेशन, एंड अगेन दैट अक्कड़ बक्कड़ बम्बई बो थिंग, वो करके मैंने डिसाइड किया मधुसूदनपुर। अभी नया पट्टी से मधुसूदनपुर जाने के लिए हावड़ा पहुंचना था, हावड़ा पहुंचने के लिए 215 ए पकड़ी, बट ऑलमोस्ट मैंने मतलब पूरे होप्स छोड़ ही दिए थे कि मुझे राजधानी मिलेगी या राजधानी कैप्चर कर पाऊंगा, बिकॉज वो फुल बगन एरिया में इतना ट्रैफिक था वो 215 ए के रूट में कि बोला अभी गई, मतलब अरे यार वो बोला प्लान ड्रॉप करना पड़ेगा। बट लकीली हावड़ा पहुंचा एंड वहां से भागे भागे एक लोकल पकड़ी, देखते हैं वो आगे कैसे हुआ। वो
अभी मधुसूदनपुर पे जो जो चाहिए था वो तो कैप्चर कर लिया, राजधानीज, वो सुपर लोकल जो वर्धमान से हावड़ा कहीं पे भी नहीं रुकती। उसके बाद मेरा जो प्लान था वो थोड़ा सा अलग था। मैंने कोलकाता जाने के बाद थोड़ा सा वो मुझे पसंद आने लगा था तो लिस्ट में डाला था, वो था कोलकाता की वोल्वो बसेस में, WBTC हो या कोई भी वोल्वो बसेस में ट्रैवल करना था। बिकॉज मुंबई के भी कोई बस प्रोवाइडर्स में मैंने वोल्वो में कभी ट्रैवल नहीं किया था, तो वो क्यूरियोसिटी लग गई थी मुझे। तो ऐसे ही रेल फैंस लोगों से पूछ के ऐसा फिक्स किया कि AC6 जो गड़िया से हावड़ा चलती है उसमें ट्रैवल करूंगा। तो उसके लिए मुझे सियालदा पहुंचना था, सियालदा से गड़िया। तो अभी मधुसूदनपुर से सियालदा पहुंचना था, तो मैंने सोचा कि डांकुनी तक कोई भी लोकल पकड़ेंगे हावड़ा बाउंड, एंड डांकुनी सियालदा लोकल पकड़ेंगे, जिससे क्या होगा कि मेरा जो डांकुनी सियालदा टाइम लैप्स था वो जो मैंने शूट किया था वो बारानगर के बाद पूरा अंधेरे में गया था। तो सोचा क्यों ना वो साथ में ही रिकॉर्ड किया जाए। तो वो काम के लिए मैं पहले ये मधुसूदनपुर से हावड़ा बाउंड कॉल लोकल पकड़ ली, डांकुनी जाके सियालदा लोकल पकड़नी थी। टाइम है वैसे भी सिटी में जाना है तो सोच रहा हूँ वही ले लूँ।
सियालदा आया, सियालदा पे वहां पे देखा कि एक BEML रेक था, शायद डायमंड हार्बर राउंड था वो तभी, तो बोला इसी में जाएंगे हम गड़िया तक। बिकॉज क्या है कि ये BEML रेक थोड़े डिफरेंट है नॉर्मल ट्रेन से, इंटीरियर्स भी डिफरेंट है, एक्सटीरियर्स भी डिफरेंट है, फेसिंग डिफरेंट है, बॉडी शेप डिफरेंट है। कोलकाता में चार है और चेन्नई में दो या तीन है आई गेस, बाकी पूरे इंडिया में कहीं भी नहीं है। EMU मेमो वगैरह है, DMU है BEML के, बट ये EMU रेक्स बहुत कम है, तो वो मुझे अंदर से देखने वगैरह थे, उसमें ट्रैवल करना था। वो पकड़ ली, न्यू गड़िया उतरा, न्यू गड़िया से मेट्रो पकड़ के गड़िया मार्केट करके एक एरिया है वहां पे गया AC6 पकड़ने के लिए। AC6 बस है वोल्वो जो गड़िया से हावड़ा चलती है, AC5 भी है बट वो अलग रूट से चलती है। तो देखते हैं कि सियालदा से आगे की जर्नी कैसी रही।
Thank you.
AC6 से ट्रैवल करके मैं उतर गया बाबूघाट या बीबीडी पार्क स्टेशन का एरिया। तभी याद आया कि मैं वहीं पे खड़ा था जहाँ पे कोलकाता में जब फर्स्ट डे आया था, तभी वहाँ पे मैं घूम रहा था, ऐसे रेस्टोरेंट ढूंढ रहा था। तो बोला यार जहाँ से स्टार्ट किया है वहीं पे आ गए। फिर वहाँ से मैप वगैरह में देखा कि बीबीडी पार्क स्टेशन पास में ही था, स्टेशन गया, स्टेशन के साथ अच्छे फोटोज लिए। एंड वहाँ से बीबीडी पार्क से ईडन गार्डन्स तक रेलवे लाइन के साइड में ही वो आता है मिलेनियम पार्क, वहाँ पे फूड कोर्ट से वहाँ पे साइड सीन के लिए है, बिकॉज इस साइड में हावड़ा ब्रिज दिखता है, उस साइड में विद्यासागर सेतु दिखता है या सेकंड हुगली ब्रिज जो बोलते हैं। तो तभी प्लान किया कि चलो वहीं पे लंच वगैरह कर लेंगे, वहीं से आगे जाके वो मिलेनियम पार्क से आगे जाके ईडन गार्डन जाएंगे। वहां से अगर फिर टाइम बच रहा है तो मुझे प्रिंसेप घाट जाना था, बिकॉज वहां से जो सेकंड हुगली ब्रिज है उसका व्यू बहुत ही क्लोजली आता था एंड वो एरिया भी देखना था, प्रिंसेप घाट स्टेशन भी है। तो मैं पहले तो मिलेनियम पार्क में एंटर हुआ, वहाँ पे ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाया बिकॉज वहाँ का एनवायरनमेंट वैसा नहीं था, बिकॉज वहाँ पे कपल लोग ज़्यादा लगे पड़े रहते एंड वो मैं शूट नहीं कर सकता था, उनको भी शायद अनकम्फर्टेबल फील होता है और मुझे भी वो वीडियो में दिखाने के लिए अच्छा नहीं लगता। एक बार गाली तो चलेगा बट वो नहीं दिखा सकता यार। तो लंच कर लिया मैंने मिलेनियम पार्क में। Thank you.
लेकिन आज धुआं बहुत। अर्ली मॉर्निंग में राजधानी कैप्चर करने के लिए दोनों राजधानी मधुसूदनपुर गया। हावड़ा वर्धमान गॉड का स्टेशन है, देन वहाँ से डांकुनी सियालदा टाइमलैप्स एक और बार ट्राई किया, क्योंकि जो पहले डांकुनी सियालदा किया था वो आई थिंक बारानगर के बाद पूरा अंधेरा हो गया था, तो उतना यूटिलाइजेबल या यूज़फुल नहीं था वो। देन सियालदा में BEML का स्टेनलेस स्टील रैक मिला, तो उससे न्यू गड़िया तक गया, वहाँ से मेट्रो पकड़ा, वहाँ से गड़िया तक गया, देन गड़िया से AC6 वोल्वो में राइड लिया। फर्स्ट टाइम वोल्वो में राइड लिया, कभी मुंबई में नहीं घूमा लेकिन कोलकाता में घूम लिया। देन वहाँ से आने के बाद बीबीडी बाग स्टेशन पे गया, स्टेशन के साथ फ़ोटो लिया। वहाँ से वॉक करते करते पूरा प्रिंसेप घाट तक वॉकिंग गया। फिर प्रिंसेप घाट से रिटर्न आने के लिए कुछ मिला ना मिला, इसलिए वॉकिंग ही आया एस्प्लेनेड तक। एस्प्लेनेड में थोड़ा टाइम रुका, वो ट्रैम वगैरह का थोड़ा एक और दो वीडियो फोटो किया, और फिर इस बार पकड़ के रिटर्न आ गया। 31 डेज कंप्लीट हो गई ये सिटी में, 31 डेज, पता भी नहीं चला कैसे टाइम कट गया। और यार इतना अच्छा टाइम गुजरा ना ये कि ज़िंदगी भर याद रह जाएगा ये एक महीना। अभी कल का दिन ही पूरा बचा है कोलकाता में, फिर परसों का सुबह 9 बजे का फ्लाइट है, वापस चला जाऊँगा घर पे तो जाना ही है ऑब्वियसली, बट कोलकाता को बहुत मिस करूँगा बहुत। मतलब आज तक कभी मुंबई के साथ इतना टाइम ये नहीं किया किसी काम से या किसी चीज़ से, कोलकाता के साथ पूरा महीना बिताया। बहुत सी बातें मेमोरीज बन के रह जाएंगी अभी। चलो कोई नहीं, समय तो चलता रहता है। कल का लास्ट डे बचा है, स्वीट शॉपिंग वगैरह करूँगा वहाँ पे लेके जाने के लिए, घर पे लेके जाने के लिए। हाँ,